लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वो संदेश खाली में महिलाओं की दुर्दशा से दुखी हैं। उन्होंने कहा, भाजपा को संदेश खाली की महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। टीएमसी प्रमुख के अनुसार संदेश खाली को लेकर भाजपा की साजिश अब बेनकाब हो गई है। बशीरहाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दरअसल पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़िता और भाजपा नेता रेखा पात्रा से फोन पर बात की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं बेहद दुखी हूँ। किसी को भी महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो सामने नहीं आते तो लोग भाजपा की साजिश को कभी नहीं समझ पाते। टीएमसी प्रमुख की यह टिप्पणी तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर कई कथित वीडियो सामने आए। इनमें दावा किया गया कि एक स्थानीय भाजपा नेता ने संदेश खाली की कई महिलाओं से कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए, बाद में कागज को टीएमसी नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों से भर दिया गया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जिसे चाहे कॉल कर सकते हैं। उन्होंने बशीरहाट की भाजपा नेता रेखा पात्रा को फोन किया था। टीएमसी नेता ने कहा कि पीएम मोदी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश में महिला सुरक्षा को लेकर भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं।